बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज की क्लास में हम आपको फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के सिलेबस से बाखबर करने जा रहे हैं, और ये सिलेबस जो है वो इंटर बोर्ड कराची के मुताबिक है, और जो स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएंगे उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये पहुँचेगा कि उनको तमाम तर टॉपिक्स के बारे में आगाही हासिल हो जाएगी, और ना सिर्फ टॉपिक से आगाही हासिल होगी बल्कि वो ये भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस चैप्टर के अंदर उनको क्या चीज़ पढ़नी है या क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी। आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर, सेंटर में नज़र आ रहा होगा चैप्टर का नाम यानी कि चैप्टर्स नेम, और राइट साइड पर नज़र आ रहा होगा टाइम रिक्वायर्ड। ये टाइम रिक्वायर्ड वाली जो चीज़ है या कॉलम है, इससे फ़ायदा बुनियादी तौर पर असातिज़ा कराम उठा सकते हैं, टीचर्स उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पूरे सिलेबस को फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के डिवाइड किया है 8 मंथ्स के ड्यूरेशन में यानी कि 8 महीने। अगर आपकी क्लास हर हफ्ते 2 लेक्चर्स आपको मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ हर महीने आपको टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स मिले 8, क्योंकि 4 हफ्ते हैं हर महीने में, और हर हफ्ते अगर आपको 2 लेक्चर्स मिलते हैं 45 मिनट्स ईच, 45 मिनट का एक लेक्चर अगर आपका है तो हफ्ते में 2 लेक्चर्स हुए, महीने के 8 लेक्चर्स हुए, और टोटल ड्यूरेशन है आपके पास 8 महीने, तो 8 × 64 यानी कि 64 आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। टाइम आपके पास होगा 32 हफ्ते, या दूसरे अल्फाज में 8 महीने। अच्छा, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इस ड्यूरेशन को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी आसानी के मुताबिक। जैसे आपके पास अगर टाइम कम हो तो 8 महीने को आप 6 महीने में ले जाएंगे, टाइम ज़्यादा हो तो 8 महीने को आप 9 महीने या 10 महीने में लेके जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो टाइम मिलता है टीचर्स को वो 6-7 महीने 8 महीने का ही मिलता है। मैंने ये सिलेबस डिज़ाइन किया है 8 महीनों के लिहाज से। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से, उसको 4 हफ्ते अलॉट किए गए हैं। 4 हफ्ते का मतलब होता है टोटल 8 लेक्चर्स, यानी कि 1 महीने के अंदर उनको ये चैप्टर कवर करा देना है, और 1 लेक्चर उनके पास 45 मिनट्स का है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम इंडिविजुअल एक एक चैप्टर को देखते हैं और उसके हवाले से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। नाम से जाहिर है अकाउंटिंग का आपको तारुफ करवाया जाएगा, और साथ साथ अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको फराहम की जाएगी, अकाउंटिंग की अहमियत के बारे में बताया जाएगा कि अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, फ़ायदा क्या है हमें पढ़ने का। इसके अलावा आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़। इन 5ों के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन ये भी दी जाएगी कि एसेट्स की किस्में कितनी हैं, लाइबिलिटीज़ की किस्में कितनी हैं, वगैरह वगैरह। इन 5ों हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि अगर इन्हीं हेड्स के अंदर इजाफा हो रहा होगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, इन्हीं हेड्स में अगर कमी हो रही होगी तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। इसके अलावा पेपर में आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है उसमें बाज़ औक़ात वो ये करता है एग्जामिनर के मुख्तलिफ़ हेड्स जो हैं वो आपको दे देता है सवाल के अंदर, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि फ़लाँ चीज़ एसेट है या फ़लाँ चीज़ लाइबिलिटी है या फ़लाँ चीज़ रेवेन्यू है, क्या है। और साथ साथ ये भी बाज़ औक़ात पूछ लेता है कि बताइए उनकी जो नेचर के साथ साथ पूछेगा आपसे कि वो उनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो कहाँ निकलेगा, डेबिट में या क्रेडिट में। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको चैप्टर नंबर 1 में प्रोवाइड की जाती है। इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको तमाम तर अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी बेस कमज़ोर रह जाए तो आगे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उन सब में आपको प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। लिहाजा चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक अकाउंटिंग भी आप उस चैप्टर नंबर 1 को कह सकते हैं, बहुत ही तवज्जो और बहुत ही दयानतदारी अमानतदारी के साथ आपको स्टडी करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के अंदर। याद रखिए, अगर आपने अपनी बेसिक्स को कमज़ोर छोड़ दिया तो पूरे फर्स्ट ईयर की अकाउंट्स के अंदर आपको जगह जगह माजरत के साथ रोना पड़ेगा, और अगर आपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जगह जगह मुस्कुराते हुए आप अकाउंटिंग के सवाल सॉल्व करेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसके लिए भी 4 हफ्ते दिए गए हैं यानी कि 8 लेक्चर्स, और चैप्टर का नाम है जर्नल, जिसको आप जर्नलाइजिंग का नाम भी कह सकते हैं। जर्नल के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन दी जाती हैं सवाल के अंदर, और उन ट्रांजेक्शन्स के हवाले से आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है कि कोई ना कोई जुमला इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ होगा और उस जुमले के मुताबिक आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी अपने जर्नल के अंदर।
चंद एक मिसालें आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स जो हैं, सामान्य तिजारत जो हैं, वो फ़र्ज़ करें ख़रीदी हैं, या आपने उनको फ़रोख्त किया है, या ख़रीदा हुआ सामान जो है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट हासिल हुआ है, या आपने ख़रीदे हुए सामान को रिटर्न कर दिया, या बेचा हुआ जो सामान है उसके ऊपर आपने डिस्काउंट दिया है, या आपने जो सामान बेच दिया वो रिटर्न हो गया कस्टमर की जानिब से आपके पास वापस आ गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैंक के अंदर कोई अपना अकाउंट ओपन किया है जिसको बैंक अकाउंट का नाम दिया जाता है, या आपने यानी कि ओनर ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से कुछ चीज़ें उसने ड्रॉ कर ली हैं, या आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्नीचर परचेज़ किया, इक्विपमेंट परचेज़ किया, इस तरह से बेशुमार ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो मुलाजमीन होते हैं, उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, या ओनर को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये तमाम तर ट्रांजेक्शन कहलाती हैं। और इन ट्रांजेक्शन को जहां हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं जिस जगह जिस जर्नल में, उसका नाम है जर्नल। जर्नल आसान अल्फाज में उसको जर्नलाइजिंग कहा जा सकता है। याद रखिएगा, जर्नल जर्नल आराम से आप उसी वक्त कर सकते हैं जब चैप्टर नंबर वन आपने भरपूर तरीके से मेहनत करके स्टडी किया होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर वन मैंने बताया आपको बेसिक्स हैं, अगर वो कमज़ोर रह गई तो जर्नल जर्नल में आप जगह जगह आप फंस जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इसी तरीके से स्टूडेंट चैप्टर नंबर आपके पास आता है थ्री। चैप्टर थ्री पे जाने से पहले आपको एक जुमला और बता दूँ चैप्टर टू के हवाले से, कि बाज़ औक़ात पेपर में वो आपको ट्रांजेक्शन देता है और कहता है जर्नल एंट्रीज पास करिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपको रिवर्स काम करता है। क्या मतलब? कि जर्नल एंट्रीज दे देता है और कहता है ट्रांजेक्शन बनाइए। ऐसा भी मुमकिन है कि आपको ट्रांजेक्शन दे दे और डायरेक्ट वो कहे जनरल लेजर बनाइए, जो चैप्टर नंबर थ्री है। और ऐसा भी मुमकिन है कि जनरल लेजर दे दे और बोले जनरल एंट्रीज बनाइए, यानी कि सवाल को वो आगे पीछे कर सकता है। हम आते हैं टॉपिक नंबर थ्री पर, जिसके लिए हमने 3 हफ्ते यानी कि 6 लेक्चर्स अलॉट किए हैं। टॉपिक का नाम है जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस स्टूडेंट्स जिन्होंने बेसिक्स अच्छी तरीके से पढ़ी हुई होंगी और जनरल जनरल का टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा, उनके लिए जनरल लेजर समझें एक तरह से तोहफे के तौर पर उनके लिए सामने आएगा। तोहफे का नाम इसलिए दे रहा हूँ इसको, क्योंकि आपने जनरल एंट्रीज अच्छी तरह से बनाई हुई हैं, उन्हीं का आपको बनाना होगा टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स आप उनको बोलें या जनरल लेजर बोलें, दोनों का एक ही मतलब है। जब आप जनरल लेजर बना लेते हैं, जनरल लेजर ये समझ लीजिए कि जिस तरह जनरल एंट्रीज आपने बनाई हुई हैं, वो दरअसल एक तरह से आप इसको समझ लीजिए, समझाने के लिए कह रहा हूँ, कि आपने अपने जर्नल के अंदर बहुत सारी बेशुमार एंट्रीज़ अपने पास जो रिकॉर्ड करते हैं वो एक ही जगह पर हैं। जब आप उनको क्लासिफाई करना शुरू कर देंगे यानी कि उनको दर्जाबंदी करना शुरू कर देंगे कि कैश की तमाम तर जो एंट्रीज़ हैं वो कैश के टी अकाउंट में, सेल्स से रिलेटेड तमाम एंट्री सेल्स के टी अकाउंट में, परचेजेस से रिलेटेड, परचेज रिटर्न से रिलेटेड, परचेज डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी एंट्री है वो उसके मुतालिक टी अकाउंट्स में, बैंक से रिलेटेड एंट्री हो या ड्राइंग से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, रेवेन्यू से रिलेटेड हो, वो उनके मुतालिका यानी कि जिस अकाउंट में उसका ताल्लुक होगा, जब आप वहाँ पर लेकर जाएंगे, जिसको अकाउंटिंग की ज़बान में कहा जाता है, कि अपनी एंट्री को आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड करने के बाद उसको पोस्ट कर दिया, पोस्टिंग का इसको अमल कहा जाता है। तो जब आप पोस्टिंग करते हैं तो वो कहलाता है जनरल लेजर। तो अगर आपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग की हुई हैं तो जनरल लेजर में हेल्प मिलेगी और साथ साथ जनरल जनरल में भी आपको हेल्प मिलेगी। ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? सारे के सारे लेजर जो अकाउंट्स आपने बनाए हुए हैं, जितने भी हों, 8 हों 10 हों 12 हों 6 हों, जितने भी आपने लेजर अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उन तमाम के तमाम लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंसेज होते हैं वो एक जगह एक शीट के ऊपर लिख देने का नाम ट्रायल बैलेंस है, और इसका टोटल जो है वो हमेशा बराबर आना चाहिए। ये हो गया चैप्टर नंबर थ्री। चैप्टर नंबर फोर जो है आपके पास, उसका नाम है कैश बुक। कैश बुक के अंदर याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन जो हैं वो लिखी जाती हैं, वो आपने कैश पे माल ख़रीदा हो या कैश पे माल आपने बेचा हो। अगर उधार वाली ट्रांजेक्शन हैं तो सारी की सारी उधार वाली ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आती, यानी कि उसको आप इग्नोर कर देते हैं। इसके लिए हमने टोटल नंबर ऑफ लेक्चर जो हैं वो तीन जो है हफ्ते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स बन जाएंगे 6। कैश बुक के अंदर याद रखिएगा कि हम जो ट्रांजेक्शन्स अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, अपने पास दर्ज करते हैं, उसके लिए भी आपको जनरल जनरल का टॉपिक अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? कि जनरल जनरल के अंदर आपको एंट्रीज सिखाई जाती हैं, एंट्रीज अगर आपको अच्छी तरह से आती हैं तो उसको कैश बुक में रिसिट या पेमेंट साइड के ऊपर, दूसरे अल्फाज में
डेबिट या क्रेडिट साइड के ऊपर लिखने में आपको हेल्प मिलती है। अब आप ये गौर करें कि अगर आपने चैप्टर वन अच्छी तरीके से किया हुआ है तो टू में भी हेल्प मिल रही है, थ्री में भी हेल्प मिल रही है और फोर में भी हेल्प मिल रही है। तो कैश बुक के बाद अगला चैप्टर है हमारे पास पेटी कैश बुक, और इसके लिए हमने एक हफ्ता रखा है यानी कि दो क्लासेस। पेटी कैश बुक को अगर ये कहा जाए कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का ईजीएस्ट चैप्टर है, आसान तरीन चैप्टर, तो ये गलत नहीं होगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि इंतहाई आसान सा ये चैप्टर है। पेटी कैश बुक का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनाइजेशन में जो छोटे मोटे अखराजात होते हैं जो कि आम तौर पर बहुत ही मामूली नौइयत के होते हैं मॉनिटरी सेंस में, उनके लिए हम बाकायदा कोई चेक्स इशू नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, हम एक पेटी कैशियर को हायर करते हैं और पेटी कैशियर का काम ये होता है उन तमाम छोटे मोटे अखराजात को अपने पास एक जगह दर्ज करता है। जिस जगह वो दर्ज करता है, लिखता है, उसका नाम है पेटी कैश बुक। ये अखराजात किस नौइयत के हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई ख़र्चा है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट है, सनड्रीज है, इसी तरीके से आपके पास हो सकता है अल्लाह भला करे आपका स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कन्वेंस है, कार्टेज है, एंटरटेनमेंट है, सनड्रीज है। कन्वेंस इंसानी सफ़र, कार्टेज जब आप सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो वो कार्टेज कहलाता है। कार्टेज के कई एक नाम हैं जो कि आपको इंशाल्लाह ताला चैप्टर पढ़ते हुए बताए जाएंगे। जैसे कि कार्टेज आप उसको कह सकते हैं, फ्रेट कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, ये सारे नाम इसी में शामिल हैं। इस तरीके से ये आपके पास पांच चैप्टर तैयार हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो छठा टॉपिक है या छठा जो आपके पास चैप्टर है उसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसके लिए टोटल जो है वो तीन हफ्ते यानी कि छः लेक्चर्स अलॉट किए गए हैं। और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के बारे में एक बात बताऊं कि ये ना सिर्फ चैप्टर फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर मौजूद है बल्कि बीकॉम पार्ट वन के अंदर भी एज इट इज़ ये चैप्टर मौजूद है। लिहाजा अगर आपने यहाँ पर इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा तो आपको बीकॉम पार्ट वन अकाउंटिंग में भी हेल्प मिलेगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि बीकॉम पार्ट वन के अंदर ये चैप्टर के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स आएंगी वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का आएगा, लेकिन जो बेसिक ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी वही हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के जा चुके होंगे। बैंक रिकंसिलेशन में क्या होगा, नाम से जाहिर है, रिकनसाइल कर रहे होंगे आप बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको आप अपने पास कैशबुक के अंदर होने वाली ट्रांजेक्शन से रिकनसाइल करते हैं यानी कि मिलाते हैं। बाज़ अवकात ये होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हमने यानी कि कंपनी ने कैशबुक में तो रिकॉर्ड कर ली होती हैं लेकिन बैंक वाले उन ट्रांजेक्शन्स को अपने पास रिकॉर्ड करने से कासिर होते हैं यानी कि नहीं रिकॉर्ड कर पाते। और उसकी वजह क्या होती है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने अकाउंट के अंदर बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा करवाए लेकिन महीने की आखिरी तारीखों में जमा करवाए, बिल्कुल 30 तारीख को या 29 तारीख को। अब होता यह है स्टूडेंट्स कि महीने के आखिर में अगर आपने अपने अकाउंट में कोई चेक जमा करवाया हो या कैश जमा करवाया हो तो दोनों सूरतों में आपके अकाउंट में पैसा तो आने में, जैसे चेक अगर आपने जमा करवाया है तो आम तौर पर चेक जो है क्लियर होता है 3 दिनों के अंदर, तो आपके अकाउंट में पैसा जो है वो 3 दिन के बाद अकाउंट में आएगा। अब आपने अपने पास कैश बुक में तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे कि आपने अपने बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन जब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको बैंक से मौसूल होगी मिलेगी तो उसके अंदर वो रकम मौजूद नहीं होगी। और उसकी रीज़न क्या है कि आपने अकाउंट में वो चेक तो जमा करवा दिया जो कि किसी कस्टमर का था, लेकिन कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकल कर आपके अकाउंट में जो मुंतकिल होगा उसमें आम तौर पर 3 दिन का टाइम लगता है। और 3 दिन का टाइम लगने के सबब महीने के चूंकि आखिरी तारीखों में जमा करवाया था लिहाजा वो अगले महीने की पहली या दूसरी तारीख को जमा होगा यानी कि आपके अकाउंट में आएगा पैसा। स्टेटमेंट निकलती है महीने की आखिरी तारीख को, 30 तारीख या 31 तारीख जैसा कि जो भी महीने की आखिरी तारीख हो, तो उसी डेट को जो महीने की आखिरी तारीख है उस डेट के जो बैलेंस आपके अकाउंट में मौजूद होगा सेम वही बैलेंस आपको स्टेटमेंट के अंदर पता चलेगा। जब आपको स्टेटमेंट रिसीव होगा बैंक की जानिब से उसके अंदर वो रकम मौजूद नहीं होगी जो कि पहली या दूसरी तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगी। करते हम कुछ यूँ हैं कि एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं और उस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में उन तमाम ट्रांजेक्शन्स को जो बैंक वाले रिकॉर्ड करने से रह गए या वो तमाम ट्रांजेक्शन्स जो हम रिकॉर्ड करने से रह गए, हमसे मुराद कंपनी, और अगर कोई गलती हो गई हो तो उसकी भी करेक्शन कर ली जाती है। तो इस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 7 आपके पास मौजूद है स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल अपने नाम से जाहिर है कि इसके अंदर जो जर्नल्स बनाए जाएंगे वो दरअसल स्पेशल होते हैं।
किस सेंस में स्पेशल कहा जा रहा है और कौन कौन से वो जर्नल होते हैं। पेपर में जो आपसे पूछे जाते हैं और होते भी यही हैं जर्नल जिनको स्पेशल जर्नल करार दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स, जहाँ पर जिन चार जर्नल्स का जिक्र किया जा रहा है वो चार जर्नल्स कौन कौन से होंगे, या तो वो होगा परचेज जर्नल या परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, इसी तरीके से या तो वो होगा सेल्स जर्नल या चौथा और आखिरी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। मुख्तसरन इन चारों जर्नल्स के हवाले से आपको इन्फॉर्म करता चलूँ कि परचेज जर्नल से मुराद ये होगा कि जब आप मर्चेंडाइज ख़रीदेंगे और वो उधार पे ख़रीदेंगे तो वो परचेज जर्नल में आएगा। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में क्या होगा कि जो माल आपने ख़रीदा हुआ है, गुड्स ख़रीदी हुई हैं, स्टॉक ख़रीदा हुआ है, वो आपकी जानिब से सप्लायर को जब रिटर्न होगा किसी भी वजह से तो वो जो अमाउंट होगी वो आएगा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में। ये दो जर्नल्स हो गए। तीसरा जर्नल का ताल्लुक होगा सेल्स जर्नल से कि जब आप गुड्स को, मर्चेंडाइज को, स्टॉक को या सामान्य तिजारत को, सबका एक ही मतलब है, जब आप इस चीज़ को यानी कि मर्चेंडाइज को बेचेंगे, फरोख करेंगे तो वो आएगा सेल्स जर्नल में। और अगर किसी वजह से आपका कस्टमर आपको माल रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है, तो फिर वो जो रिकॉर्डिंग होगी जिस जगह आप उसको लिखेंगे, दर्ज करेंगे, वो कहलाएगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ये टोटल चार आपके पास जर्नल्स हैं जो कि स्पेशल जर्नल आपके पास कहलाएंगे और पेपर में इन चारों जर्नल से रिलेटेड सवाल आता रहता है। ये बात याद रखिएगा, कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन्स आती हैं, उधार वाली तमाम ट्रांजेक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं। और जो स्पेशल जर्नल आप बनाएंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उधार वाली ट्रांजेक्शन्स आती हैं और इसके अंदर हम कैश वाली तमाम ट्रांजेक्शन्स को अगर वो देगा पेपर में तो हम उनको इग्नोर कर देंगे। स्पेशल जर्नल के अंदर सिर्फ दो अल्फाज को याद रखिएगा, वो आपके यकीनन काम आएंगे, कि एक तो उधार वाली ट्रांजेक्शन है और एक मर्चेंडाइज है। इसका मतलब ये हुआ मर्चेंडाइज के अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन होगी और उधार के अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन होगी तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, भले ख़रीदने के हवाले से हो या भले बेचने के हवाले से हो। तो ये आपके पास हो गया चैप्टर नंबर 7। इसके लिए हमारे पास दो वीक्स हैं यानी कि चार लेक्चर्स, एक लेक्चर 45 मिनट का। चैप्टर नंबर 8 है आपके पास करेक्शन ऑफ एरर्स, और इसके लिए भी हमारे पास टोटल दो हफ्ते हैं यानी कि चार लेक्चर्स। करेक्शन ऑफ एरर्स नाम से जाहिर है अपनी गलतियों की हमें इसलाह करनी है, ठीक करना है। पहली बात, वो गलतियाँ होती ही क्यों हैं, क्या हम जानबूझ के करते हैं? तो जवाब है कतन जानबूझ के तो नहीं करते, लेकिन बाद अवकात गलती से वो गलती सरजद हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमने मर्चेंडाइज परचेज करी और अपने पास रिकॉर्ड कर दिया कि हमने इक्विपमेंट ख़रीदा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो है वो फर्नीचर को हमने बेचा है और हमने अपने पास रिकॉर्ड कर दिया जैसे कि हमने मशीनरी को बेचा है। बाद अवकात ऐसा होता है कि हमने परचेज रिटर्न के हवाले से एंट्री बनानी चाहिए थी और गलती से हमने कर दिया सेल्स रिटर्न। इस तरह से बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि जो कि हम गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। बाज़ औक़ात हेड ऑफ़ अकाउंट में तो गलती नहीं होती, यानी कि नाम में तो गलती नहीं होती, रकम में गलती हो जाती है। जैसे आपने फर्नीचर ख़रीदा है 50,000 का, आपने पास एक ज़ीरो कम लगा दिया यानी कि 5,000 लिख दिया, या फ़र्ज़ करें 10,000 का ख़रीदा है और लिख दिया 1,00,000, इसका मतलब है कम रकम से लिख दिया या ज़्यादा रकम से लिख दिया, ये कहलाता है फिगर एरर। और अगर नाम की गलती है, फर्नीचर की जगह इक्विपमेंट लिख दिया या इक्विपमेंट की जगह फर्नीचर लिख दिया, यानी कि अगर नाम की गलती है तो वो कहलाता है हेड ऑफ़ अकाउंट एरर। दोनों तरह की गलतियां जो है पेपर में मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स में आपको देता है और आपको उनको सही करना पड़ता है। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये दरअसल आपका सेक्शन सी के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़ेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, रिवर्सिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्री। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए टोटल जो है वो 6 हफ्ते अलॉट किए गए हैं। 6 हफ्ते का मतलब होता है कि आपके पास 12 लेक्चर्स बन जाएंगे। 12 लेक्चर्स में एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए आपको मिलेंगे टोटल 6 लेक्चर्स, क्लोजिंग एंट्रीज के लिए 3 लेक्चर्स, रिवर्सिंग के लिए 1 और ओपनिंग के लिए 2। इस तरह से टोटल 12 आपको लेक्चर्स के अंदर या 6 हफ्तों के अंदर ये चैप्टर कवर करना होगा। और ये चैप्टर समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर स्टूडेंट को एडजस्टिंग एंट्रीज अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो तो याद रखिएगा क्लोजिंग एंट्रीज वो बनाने के काबिल नहीं हो सकता, रिवर्सिंग एंट्री खुद ब खुद उसके हाथ से निकल जाएंगी, ओपनिंग एंट्री बना ही नहीं सकता, और चैप्टर नंबर 10 जो आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें भी जा बजा वो गलतियाँ करेगा और कभी भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दुरुस्त नहीं बना सकता। चैप्टर 9 और 10 के अंदर अहम तरीन चीज़ याद रखिएगा अगर कोई है तो वो है एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज में स्टूडेंट्स क्या होता है
कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, जो हमारे एंट्रीज बनाई हुई होती हैं, उन तमाम को हमें दुरुस्त करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, जो हमारे पास कहलाता है एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज के साथ साथ अगला मरहला है आपके पास क्लोजिंग एंट्रीज का। क्लोजिंग एंट्रीज में आपको ये काम करना पड़ता है कि अपने अकाउंट्स को आपको क्लोज करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको रिवर्सिंग एंट्रीज पढ़ाई जाएंगी, आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स को रिवर्स किया जाता है और कौन से अकाउंट्स को रिवर्स नहीं किया जाता। ओपनिंग एंट्री के अंदर आपको ये करना पड़ता है कि कुछ अकाउंट्स को आपको आइंदा साल के आगाज़ में ओपन करना पड़ता है, और वो अकाउंट्स जो हैं वो दरअसल वो अकाउंट्स हैं जिनका ताल्लुक बैलेंस शीट से होता है। लास्ट जो चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी जो बेस है वो याद रखिएगा, वो चैप्टर नंबर 9 है। और चैप्टर नंबर 9 में भी अगर कोई टॉपिक है तो वो दरअसल एडजस्टिंग एंट्रीज है। एडजस्टिंग एंट्रीज आपके स्ट्रॉन्ग होंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसके लिए 4 हफ्ते रखे हैं, यानी कि 8 लेक्चर्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से आपको स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे? फर्स्ट ईयर लेवल पर आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी और आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो आप बनाएंगे वो ट्रेडिंग कंसर्न की भी आपको पेपर में देता है और साथ साथ सर्विसिंग कंसर्न की भी देता है। ट्रेडिंग कंसर्न की ज़्यादातर इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट आपको पेपर में भरी भी मिलेंगी, ज़्यादातर मिलेंगी, और कभी कभार वो सर्विसिंग कंसर्न की भी दे देता है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों में फ़र्क क्या है? ट्रेडिंग वाले ये काम कर रहे होते हैं कि माल को खरीदते हैं, खरीदने के बाद बेचते हैं, यानी कि वो तिजारत कर रहे हैं। सर्विसिंग वाले क्या कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और प्रॉफिट को जनरेट कर रहे होते हैं। ये एक बेसिक फ़र्क है। स्टूडेंट्स, आज के हमने लेक्चर के अंदर आपको बताया कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का जो सिलेबस है कराची बोर्ड का, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 10, और हमने सिर्फ इन 10 चैप्टर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, बल्कि आपको ये भी बताया कि कौन सा चैप्टर आपको कितने हफ्तों के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए। एक वजाहत कर दूँ जो कि आखिरी वजाहत है इस टॉपिक से रिलेटेड, कि इन 32 हफ्तों के अंदर हर चैप्टर के अख्तिताम पर आपको एक अदद क्लास टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और जो टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लाजमी तौर पर एक टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा, क्लास टेस्ट। और वो क्लास टेस्ट का जो टाइम है वो उनको अपने इन नंबर ऑफ लेक्चर्स के अंदर ही किसी तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे फ़र्ज़ करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 4 हफ्ते हैं और 8 लेक्चर्स हैं, तो 8 लेक्चर्स के अंदर उनको इस टॉपिक को 7 लेक्चर्स में पढ़ाना पड़ेगा और एक लेक्चर उनको टेस्ट के लिए रखना पड़ेगा। इस तरह से जितने भी हफ्ते हैं उसके अंदर जितने भी उनके लेक्चर्स बने, उनमें से जो वेरी लास्ट लेक्चर होगा वो उनको अपने टेस्ट के लिए रखना पड़ेगा। अगर वो टेस्ट को कंडक्ट नहीं करते हैं तो ये बात याद रखिएगा, मेरा अपना जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो यही है कि जब जब मैंने टेस्ट स्टूडेंट्स के नहीं लिए तो स्टूडेंट्स के भरपूर तरीके से पढ़ाने के बावजूद उनका रिज़ल्ट जो है वो वैसा नहीं आया जैसा कि आना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो लेक्चर से आपको यकीनन न सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स को भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प मिलेगी। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में या जो टीचर्स हैं वो अपने कोलीग्स में इसको शेयर करवा सकते हैं, और हमारा जो चैनल है सर अली अहमद के नाम से उसको आप जो है वो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामुअलैकुम।